तो गाइस आज की जो कंडीशन है वो ये है, ग्रे हेयर मैम के 50-70% ग्रे हेयर है। तो गाइस इस पे आज हम जो काम वर्क करने जा रहे हैं वो वर्क है हमारा ग्लोबल कलर। और ग्लोबल कलर करने के बाद देखिए हम इस पे हाइलाइटिंग, और हाइलाइटिंग के बाद जो मैम की जो कंप्लेंट है वो है हेयर फॉल, पल बहुत ब्रेक हो रहा है, बहुत टूट रहा है। तो इसमें देखिए हम हेयर केराटिन, हेयर केराटिन ट्रीटमेंट, जिससे कि मैम की हेयर ग्रोथ भी बढ़ेगी और जो मैम को हेयर फॉल हो रहा है वो भी कंट्रोल होगा। तो गाइस दिखाते हैं आपको बिफोर आफ्टर सारा काम, कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। ओके गाइस, मैं अभी तो तुमने जो गाइस रोज हमारा जो बेस कलर है वो 6 नंबर है, ग्रे कवर भी होगा और इसके साथ जो 20 वॉल्यूम यूज करेंगे डेवलपर। ठीक है गाइस, तो ये लॉरियल प्रोफेशनली कलर है मैगजीरल। ओके गाइस, तो ये कलर मिक्सिंग है, तो मैंने लॉरियल की आपको 1:1.5 मिक्सिंग बता दी थी। ठीक है, जब भी आप कोई बेस कलर कर रहे हो और ग्रे कवर भी करने हैं तो डेवलपर कितना होना चाहिए, पेस्ट कैसा बनाना है। तो गाइस हमारा जो कलर है वो बनकर रेडी हो गया है, जो पेस्ट है आपको दिख रहा होगा ना, ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला। और गाइस जब भी कलर अप्लाई करते हो या कुछ भी केमिकल तो ग्लव्स आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करेंगे हम आगे से। ठीक है, पार्टीशन करेंगे पहले सेंटर, सेंटर पार्टीशन करने के बाद इसमें सेक्शन ले लेंगे। आपने दीदी को बोला था? सेक्शन लेने के बाद तो कलर जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम आगे से स्टार्ट करेंगे। हेलो, तो कलर जो स्टार्ट करने वाले हैं हम आगे से, तो पहले हम रूट्स पे लगा देंगे क्योंकि रूट्स जो है एक तो बहुत मोटा हेयर है। ठीक है, तो हम रूट्स से स्टार्ट करते हुए आएंगे। यहाँ पर अच्छे से अप्लाई करना है जिससे स्कैल्प पे भी कलर ना आए। ठीक है, तो ये सेक्शन हमारा पहला नीचे से निकलेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कलर अप्लाई करने से पहले मैंने वीडियो डाली है कलर की, मैंने आपको बताया सेक्शन पतला लेना है और मल्टीप्लाई अच्छे से करना है। और काफ़ी पतला सेक्शन लेके ये हमारी मल्टीप्लाई है जिससे कि कलर अच्छे से अप्लाई होगा। तो ठीक है।
तो गाइस हमारा ग्लोबल फाइनल हो चुका है और इसकी जो टाइमिंग है 35 मिनट्स बाद वॉश करेगी। वॉश करने के बाद फिर आपको दिखाएगी जो हम दूसरा वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइस हमने फॉइल पेपर लगा दिया हाइलाइटिंग की। तो गाइस फॉइल पेपर खोलने में अभी 10-15 मिनट है और 10-15 मिनट के बाद हाइलाइटिंग फाइनल हो चुकी होगी। उसके बाद फिर हम कैराटिन अप्लाई करेंगे। ओके गाइस, तो गाइस हाइलाइटिंग भी हमारी फाइनल हो चुकी है और कैराटिन भी हमने अप्लाई कर दिया है। और 15-20 मिनट्स बाद हेयर ड्राई स्टार्ट करेगी और उसके बाद प्रेसिंग। तो फाइनली रिजल्ट दिखाते हैं आपको कैसा आया हेयर पे। और जो ग्रे हेयर थे वो भी हमने कवर कर चुके हैं। तो गाइस ड्राई स्टार्ट कर दिया है। बच्चों को लगा देते चलो चलो हमारी प्रेसिंग फाइनल और कैराटिन फाइनल हो चुकी है। रिजल्ट भाभी यार फोटो बहुत अच्छे हैं, भाभी का दिखा लेके आएगी, जब आएंगी ना मेरे पास ही आएंगी। तो गाइस ये फाइनल रिजल्ट है। ओके गाइस,